क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। सर किस पोस्ट पे हैं आप? जिला प्रबंधक पीसीयू सीतापुर। ये जो सब गेहूं का मामला जो आया है, जो गायब हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिला है कि नहीं मिला, कहाँ गया? गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि दिनांक 21/5/2019 को इसके द्वारा 180 कुंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम रामकोट को भेजा गया था, लेकिन अभी तक उसकी पावती रसीद प्राप्त नहीं हुई है, मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो मैंने जो है गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी से दूरभाष पे बात की, और बात करने के उपरांत ये पता चला कि जिस गाड़ी में गेहूं भेजा गया था वो गाड़ी ड्राइवर और ड्राइवर ट्रक मालिक द्वारा बेच के जो है गायब कर दी गई है, और उसकी शिकायत जो है थाना रेवसा में केंद्र प्रभारी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है। उक्त के संबंध में जो है कार्रवाई की जा रही है मेरे स्तर से भी और केंद्र प्रभारी के स्तर से। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं आपका सिवन सिंह। कहाँ पे आपका, कहाँ से गेहूं का जो प्रकरण आया है, कहाँ से गायब हुआ, कहाँ पे आपका गोदाम? ये हमारी सेंटर है कुशमोहरा क्रय केंद्र PCU जी, वहाँ से हमने 21/5/2019 को ट्रक संख्या UP 34T 71/15 में 360 बोरी 180 क्विंटल लोड कराया था, जो FCI रामकोट के लिए जाना था। वो वहाँ पर नहीं पहुँचा, रास्ते में कहीं बिक गया है। फिर मुझे जब वो वहाँ पर डिटेल नहीं मिली तो हमारे जिला प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि अभी आपका इतना गेहूँ अवशेष है। फिर उसमें हमने छानबीन की तो वो मोटर अभी तक रामकोट नहीं पहुँचा है, कहीं रास्ते में बिका हुआ है। तो उसके बाद मोटर वो मिला, ट्रक मिल गया? ट्रक हमने बुलवाया, धोखे से इसको बुलवा के अरेस्ट करा दिया है कल, और इसकी तहरीर दी थाने में आपने? थाना रेवसा में हमने मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की, कल मोटर अरेस्ट कर लिया, और चालक जो था वो मिला नहीं, लेकिन उसके साथ वाला जो जुबेर था जिसने माल रिसीव किया था वो भी अरेस्ट हो गया। आपके उच्च अधिकारियों का क्या कहना? उच्चाधिकारियों का कहना था कि अगर आपका मोटर नहीं मिला तो आप पे कार्रवाई होगी, वैसे आप कार्रवाई करिए, तो हमने मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। हमारे जिला प्रबंधक जी भी आज आए थे थाने में, उन्होंने भी अपना बयान दिया है।